गाजीपुर जिले में गंगा का जलस्तर खतरे बिंदु को पार करने के बाद भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार की सुबह तक NH 31 से मुख्य मार्ग गंगा की ओर कटने लगे हैं। आवाजाही बंद होने के बाद से ही बाढ़ का पानी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर चुका है। निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, तो दूसरी ओर बाढ़ का पानी फसलों को चौपट कर रहा है। हरे चारे के अभाव में पशु भी अब ऊंचे इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं, तो घर बार गंगा के हवाले करके पलायन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। माना जा रहा है कि बारिश के बीच बांध और पहाड़ों से छोड़ा गया पानी प्रलय की ओर है। ऐसे में निचले इलाकों से लोग ससमय पलायन को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोहम्मदाबाद इलाके में बाढ़ का पानी शनिवार की शाम के बाद से फैलना शुरू हो गया है। NH 31 से गंगा तट जाने वाली मुख्य सड़क पर बच्छलपुर गांव के पास पुलिया के ऊपर से तेज धारा में बह रहा है। उसी रास्ते से होकर लोग आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ का पानी बच्छलपुर, तमलपुरा, जयनगर, लालूपुर, शेरपुर के सिवानों में फैल चुका है। बाढ़ से सबसे अधिक सब्जी की खेती को नुकसान पहुँच रहा है। शेरपुर इलाके में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों से सचेत करने के साथ जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में जाने का आह्वान कर रहे हैं। गंगा के तटवर्ती तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने के बाद से ही लोगों का जहां पलायन शुरू हो गया है, वहीं स्कूल कॉलेजों की राह भी थम गई है। शहर में आने जाने का प्रमुख जरिया अब नौका संचालन ही है। जिले में गंगा का जलस्तर रविवार की सुबह 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे होने की वजह से लगातार पानी निचले इलाकों में भरता जा रहा है और नए इलाके भी बाढ़ की जद में आते जा रहे हैं, जबकि बांधों और पहाड़ों से लगातार पानी गंगा का जलस्तर बढ़ाए हुए है। दूसरी ओर लगातार रह कर हो रही बरसात कोड़ में खास साबित हो रही है। आपको बता दें कि रविवार शाम 4 बजे तक गंगा का जलस्तर बढ़कर 64.130 मीटर पहुंच गया है। अभी भी गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।